आरा मिल्की मोहल्ला मेहरू मस्जिद के समीप ईद के दिन नाले के पानी लग जाने की वजह से स्थानीय लोगों में नगर निगम और स्थानीय पार्षद के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया है। लोगों ने कहा कि एक महीने से रमज़ान का महीना चल रहा है, आज ईद है और आज ईद के मौके पर कुछ कार्यक्रम यहां आयोजित किया जाने वाला था, लेकिन उससे पहले नाले के पानी ने पूरे कार्यक्रम में खलल डाल दिया। इससे स्थानीय जनप्रतिनिधि इसके लिए दोषी हैं, क्योंकि सालों भर यहाँ नाले का पानी लगा रहता है, जिसका समुचित व्यवस्था आज तक नहीं किया गया। आज ईद का त्यौहार है और इस त्यौहार के मौके पर आज पूरे नाले के पानी से चारों तरफ का माहौल खराब दिखाई दे रहा है। खत्म आज ईद, ईद के दिन क्या सौगात मिला नगर निगम से? सौगात आइए देखिए, ये सौगात हमारे आपके सामने है, ये सौगात है। कंडीशन आप देख रहे हैं, जैसा कि पानी पूरा जमा है, ये परसों का समस्या है। 365 दिन में 300 दिन पानी का समस्या है, आज दिन पानी लगता है। इसका आज ईद था, ईद के दिन सफाई का हुआ था कि नहीं होता? सुबह में सिर्फ आया, झाड़ू दे गया, वो भी 10 कॉल करने के बाद। झाड़ू देने के आया, झाड़ू देकर चला गया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ एक प्रोग्राम आयोजन किया गया था ईद के ऊपर से, तो हम लोग जब नमाज पढ़ने गए, सारा कुछ साफ सुथरा करके चले गए, कालीन वगैरह सब भीग गया था। नमाज पढ़कर आते हैं तो उसके बाद पूरा पानी यहाँ सारा जल जमा हो जाता है, नाले का गंदा पानी। और हम लोग के पास वार्ड कमिश्नर के जाने के बाद कंप्लेन करने के बाद उन्होंने एक्यूटली एक्शन लिया, तो अब सफाई हो रहा है। यानी कि हम लोग का आज का पर्व सबसे बड़ा पर्व होता है हम लोगों का, एक महीना रोजे रखने के बाद हम लोग ईद का सेलिब्रेशन करते हैं, वो हम लोग का आज बर्बाद हो गया, पूरे मोहल्ले वासी का। सफाई बड़ी पाक साफ तरीके से होता है और आज इस तरीके से गंदगी आज जो है आप देख रहे हैं बहुत ही ज्यादा। तो ये पहले हो सकता था कि नहीं हो सकता? ये पहले भी हो सकता था, मगर हम लोगों के बोलने के बाद आज हुआ, यानी कि जब हम लोग का पूरा पर्व बर्बाद हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम काशिफ हसन हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा घर यही खेताड़ी मोहल्ला है, ये हमारा घर है। आज ईद के त्यौहार के दिन पूरा कीचड़ और नाली आप देख सकते हैं कैसे हो रहा है। दोनों वार्ड कमिश्नर कोई ध्यान नहीं देता, वो बोलते हैं कि मेरे वार्ड का नहीं है, वो बोलते हैं मेरे वार्ड का नहीं है। हाँ, ये 24 वार्ड का मामला है और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। 24-25 दोनों ही है, सेंटर पे आता है, दोनों ने लावारिस की तरह छोड़ दिया, किसी से कोई मतलब नहीं है। आज क्या हुआ? आज पूरा ओवरफ्लो हो गया नाला, ओवरफ्लो हो गया, ओवरफ्लो पूरा कीचड़। और ये जब लोग ले गए शिकायत लेके, उसके बाद से कुछ लोग आ गए, आपस में मारामारी होने लगा। अब वो दिन दूर नहीं है कि हम लोग आपस में लड़के मर जाएंगे इस नाले के लिए। कोई नहीं सुने, ना वार्ड कमिश्नर सुन रहे हैं, ना नगर निगम में कोई सुन रहा है, कोई। हाँ, आज त्यौहार का दिन है तो आज सफाई हो रही है। मतलब आज सफाई होगा, कल तक सफाई होता रहेगा। दोनों वार्ड कमिश्नर आ गए हैं, चुपचाप से तमाशा देख रहे हैं ये लोग, कोई काम नहीं हो रहा है। क्या करें हम लोग? नाम बदल दो। मेरा नाम राजू है। देख रहे हैं आप, ये पत्थर देखिए, ये देखिए सब हम लोग का करवाया हुआ है, कोई नहीं करवा रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ से वो ढलैया देखिए पत्थर लगवाए, वो हम लोगों का लगवाया हुआ है। अब वो अभी तक है, हम लोगों ने नहीं करवाया, वो है हमारी पूरा गड्ढा वहाँ पर। हमारे कितना बच्चा लग रहा है, बच्चे आप लोगों को छोड़ दिया गया है और आरा की जनता जो है वो अपनी